तहकुम, ई टेंडरिंग, इन चीजों से करोड़ों रुपए कमाते हैं, और दूसरी तरफ कमजोर लोग, आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, जिनके पास कुछ नहीं रहता है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती, इसलिए हमने एक झंडा दिया। अगर हम दो हिंदुस्तान चाहते तो हम दो झंडे देते। उनके पास है, आरएसएस के पास दूसरा झंडा है तैयार, उनके पास दो झंडे हैं, हमारे पास सिर्फ एक झंडा है, और इस झंडे के लिए सबने कुर्बानी दी है। इस झंडे में बिरसा मुंडा जी का खून है, उन्होंने कुर्बानी दी, और अगर ये आज यहां लहराता है, अगर आज ये इस पहाड़ पे लहरा रहा है, तो उनकी मदद से ये लहरा रहा है, तो हम आपको भूलने वाले नहीं है, हम आपको भूलने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के हर आदिवासी को लगेगा कि 15 साल बाद आदिवासियों की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जाने हैं, यूपीए के समय $140 प्रति बैरल तेल का दाम था इंटरनेशनल मार्केट, आज तकरीबन $70 प्रति बैरल हो गया है, मतलब आधा हो गया है। मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब अजीब सी बात है, दुनिया के मार्केट में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपके जेब में से पैसा निकल रहा है, आप मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, गाड़ी में, ट्रक में पेट्रोल भरते हो, थोड़ा सा आपका पैसा पेट्रोल भरने में जाता है, बाकी आपका पैसा अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के जेब में जाता है, और लाखों करोड़ रुपए आपके सीधा उनके जेब में जाते हैं। हमारी सरकार आपको मदद करने वाली सरकार होगी। हम पैसा कानून, आदिवासी बिल, भोजन का अधिकार, मनरेगा, इन सब चीजों को एक बार फिर लागू करेंगे, चालू करेंगे, और आपके लिए, और जो हमारे आदिवासी युवा हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए, आदिवासी परिवारों के लिए मुश्किल होता है, तो उनके जो हॉस्टल्स हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, और आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके युवाओं के लिए, लाखों युवाओं के लिए हम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे कि आप भी अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भिजवा पाओ, कम से कम पैसे देकर भिजवा पाओ। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, आप दूर दूर से आए मेरी बात सुनने, मैं आपसे राजनीतिक रिश्ता बनाना नहीं चाहता, और मैं यहां आके आपको 30-40 वायदे नहीं करना चाहता। मोदी जी आए थे, शिवराज जी आते हैं, शिवराज जी ने 20,000 घोषणाएं की हैं, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, 15 लाख रुपए देने की बात करते हैं, किसानों को सही दाम देने की बात करते हैं, अलग 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 वायदे करते हैं, मगर 5 साल में उन्होंने एक वायदा नहीं पूरा किया।
मैं आपको झूठे वायदे करने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ एक बात कहने आया हूं कि मेरी नियत साफ है और मैं दिल से आपके साथ काम करना चाहता हूं। आप चले जाओ, आप मोदी जी के यहां चले जाओ, प्रधानमंत्री हैं देश के, आप उनसे जाकर 5 मिनट मिलके आ जाओ मुझे, 5 मिनट। कोई भी आदिवासी उनके ऑफिस में जाके 5 मिनट प्रधानमंत्री से बात करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। आदिवासी छोड़ो, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, मतलब जो सूट बूट वाले नहीं, अनिल अंबानी जैसे लोग, उनको छोड़कर उनके प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाके दिखा दो, मैं मान जाऊं। 5 साल हो गए आपने प्रधानमंत्री की हजारों फोटो देखी, ओबामा जी के साथ देखी, यूएस के राष्ट्रपति के साथ देखी, जापान के राष्ट्रपति के साथ देखी, अनिल अंबानी के साथ देखी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के साथ देखी, मगर किसी किसान के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी गरीब के साथ आपने फोटो नहीं देखी होगी। तो ये फर्क है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम आप में भरोसा करते हैं, हम आपके बच्चों में भरोसा करते हैं, हम जानते हैं कि अगर आपके हाथ में शक्ति दी गई तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं पूरे हिंदुस्तान को बदल के दिखा दोगे। आखिरी बात मैं आदिवासी युवाओं से करना चाहता हूं, आपका पलायन होता है, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, कोई महाराष्ट्र जाता है, दिल्ली जाता है, गुजरात जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाते हो, रोजगार ढूंढने जाते हो, और गुजरात में तो आपको मालूम होगा पिछले दिनों में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के लोगों को, युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को मारकर गुजरात से भगाया गया। तो मैं जानता हूं कि आपके सामने सबसे बड़ी कठिनाई रोजगार की है, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार का चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। कैसे रोजगार देगा और कहां देगा? सबसे पहले रोजगार यहां मिलेगा आपको, झाबुआ में मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसान के खेतों के पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे कि किसान अपना माल सीधा फैक्ट्री में बेचे, उसको सही दाम मिले और उसी फैक्ट्री में झाबुआ के युवाओं को रोजगार मिले। हम ये नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्री प्रदेश के दूसरे कोने में लगे, हम चाहते हैं कि यहां आपके पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे, अलग अलग कारखाने लगे, और यह काम हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। शाम का समय है, कांग्रेस पार्टी के हमारे यहां काफी कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 10-15 दिन बचे हैं, मिलकर दिल से आप काम करिए, पोलिंग बूथ पे लड़िए, प्यार से सबको जोड़कर लड़िए, क्योंकि हमारा काम नफरत का काम नहीं है, नफरत तो वो करते हैं, तो मिलकर आप सब लड़िए और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। आप शाम का समय है, दूर दूर से आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको यहां ठहरना पड़ा, थोड़ा सा कष्ट हुआ,
इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।